बॉलीवुड के लिए बॉक्स ऑफिस पर ये साल बहुत बड़ी वापसी लेकर आया है, क्योंकि बॉलीवुड का नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पर्यायवाची बन चुका है। लेकिन ये साल शुरू होने से पहले हिंदी भाषा की दो सबसे कमाऊ फिल्में बाहुबली 2 और KGF 2 थी, जो साउथ की इंडस्ट्रीज में बनी फिल्में थी। लेकिन 2023 ने सिर्फ हिंदी फिल्मों की सबसे कमाऊ फिल्मों का टाइटल ही बॉलीवुड को नहीं लौटाया, बल्कि 3 फिल्मों ने ये मुकाम हासिल भी किया। दरअसल हिंदी की सबसे कमाऊ फिल्म बनने की होड़ इस साल ऐसी रही है कि जिस 500 करोड़ के आंकड़े को छूने का सपना बॉलीवुड फिल्म मेकर्स देखते रहे हैं, उसे इंडस्ट्री अब तीन बार पार कर चुकी है। और जहां बॉक्स ऑफिस की रेस में आगे निकलने की ये होड़ ऐसी शानदार चल रही है कि हाल ही में हिंदी की सबसे कमाऊ फिल्म बनी गदर 2 फिर से इस टाइटल से हट गई है, और वो भी सिर्फ एक ही दिन में। हालांकि बॉलीवुड ने कम से कम पिछले एक दशक में ऐसी होड़ नहीं देखी है, और टॉप पोजीशन की इस दौड़ में ये फिर से साबित हो गया है कि शाहरुख खान ही असली बॉक्स ऑफिस किंग है। दरअसल शाहरुख खान की 4 साल बाद हुई वापसी ने बॉलीवुड के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अलट पलट दिए, और 540 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाकर उनकी कमबैक फिल्म पठान इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। जहां 3 भाषाओं में रिलीज हुई पठान ने सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 524 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाकर बाहुबली 2 को पीछे छोड़ा और सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म बन गई। लेकिन बॉलीवुड हीरोज की शानदार वापसी का ये साल अभी और सरप्राइज लेकर आने वाला था। दरअसल अपने दौर के सुपरस्टार रहे सनी देओल फिर से दमदार वापसी के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे, मगर वो इस कदर वापस लौटेंगे शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनकी फिल्म गदर 2 ने ऐसी तेजी से कमाई की कि पठान के बहुत सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी टूटने लगे, और 7वें हफ्ते में ही चल रही गदर 2 ने आखिरकार वो कमाल भी किया जो सब इसे करते देखना चाहते थे। दरअसल अपने बॉक्स ऑफिस रन के 48वें दिन बुधवार को गदर 2 ने पठान को पीछे छोड़ दिया, और बुधवार को गदर 2 ने सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म का टाइटल अपने नाम कर लिया। लेकिन सनी की फिल्म के पास ये रिकॉर्ड बस एक ही दिन रह पाया, क्योंकि बुधवार को गदर 2 सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म बनी और गुरुवार को ये टाइटल साल की तीसरी 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म के पास पहुंच गया, क्योंकि शाहरुख खान की लेटेस्ट रिलीज जवान ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 5.97 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, और इसमें से फिल्म के हिंदी वर्जन की कमाई 5.81 करोड़ रुपए रही, और बुधवार तक हिंदी वर्जन से 519 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी जवान का कुल हिंदी कलेक्शन अब 525 करोड़ रुपए कमा चुकी है, और इसी के साथ ही सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म का टाइटल अब जवान के पास आ गया है। वही अब हिंदी की टॉप 3 कमाऊ फिल्मों का टाइटल बॉलीवुड के पास है, क्योंकि जवान के बाद गदर 2 दूसरे नंबर पर है, और तीसरे पर भी पठान के साथ शाहरुख ही विराजमान है। हालांकि पठान के बाद जवान ने जिस तरह कमाई की है उससे ये साफ हो गया है कि शाहरुख का सिर्फ कमबैक ही नहीं हुआ है, बल्कि वो एक नए विस्फोटक अवतार में लौटे हैं, क्योंकि जवान अब तक सिर्फ 22 दिन में ही 582 करोड़ रुपए कमा चुकी है। हालांकि इस वीकेंड के बाद शाहरुख की ये फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म बन जाएगी जिसका नेट कलेक्शन 600 करोड़ के पार पहुंच जाएगा, जिसके बाद पठान से शुरू हुई शाहरुख की बादशाहत और कहां पहुंचेगी इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, क्योंकि इस साल उनकी तीसरी रिलीज डंकी तो अभी बाकी ही है। वैसे इस फिल्म को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।